Hey guys, welcome back. Wish you all very very happy new year 2022. I hope कि आप इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करें और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए. तो नए साल में एक नई वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की. तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट में आज जो हमने चीज़ कवर करनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है जो आप नॉर्मली हर एक फील्ड में आपको काम आएगा समझने के लिए. तो रिमेंबर कि हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे अपने सीएमए डाटा की प्रोजेक्शन. सीएमए डाटा प्रोजेक्शंस में अपने पास बैलेंस शीट की प्रोजेक्शंस कैसे करनी है, ये टॉपिक बैलेंस बचा हुआ था बैलेंस शीट की प्रोजेक्शंस का. तो उसके अंदर मैंने समझाया था कि बैलेंस शीट की प्रोजेक्शंस करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए कि करंट रेशियो क्या होती है, उसको कैसे सेट करना है. करंट रेशियो आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. MPBF norms के ऊपर आपका बहुत अच्छे से होल्ड होना चाहिए, तो MPBF norms के ऊपर मैं बहुत अच्छे से डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ और उनको मैंने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी डाला हुआ है. आपको गेयरिंग एंड लीवरेज रेशियो क्या होती है, गेयरिंग एंड लीवरेज रेशियो के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया. प्लस जो आज प्रेजेंट लेक्चर है हमारा जो कि एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियोज के ऊपर है, जिसमें हम तीन रेशियोज मेनली कवर करने वाले हैं. इन रेशियोज के ऊपर आपका ग्रिप होना चाहिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड फोर्थ ऑफ कोर्स आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और आपके जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो जिसके बेस पे आप प्रोजेक्शंस को अपनी फाइनलाइज करेंगे. तो वो तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. ये ऑलरेडी कवर्ड हैं तीनों चीज़ें, ये आज कवर कर लेंगे जो एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियोज, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. तो साथ में आपकी जो सीएमए डाटा की बैलेंस शीट की प्रोजेक्शंस है ये कंप्लीट हो जाएंगी. कंप्लीट होगी तो आप सीएमए डाटा के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्चुअली होल्ड काफी अच्छा हो जाना चाहिए. रेस्ट आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हैं. तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं. तो मैं पहले टॉपिक बता देता हूं. आज का लेक्चर जो है एक्टिविटी रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियोज के ऊपर बेस्ड है. इनका मीनिंग जैसे ही आप इन रेशियोज को समझ लेंगे आप ये समझ लेंगे कि एक्टिविटी और एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है. तो इन रेशियोज को जैसे अलग अलग नाम से जाना जाता है तो मैंने नाम रफली लिख दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इन्वेंटरी मींस स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल देते हैं. इन्वेंटरी या स्टॉक टर्नओवर डेज भी बोल देते हैं, या इन्वेंटरी और स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी बोल देते हैं इसको. ये थोड़ा सा नाम समझने में आसान है, इन्वेंटरी और स्टॉक होल्डिंग पीरियड. तो सिमिलरली डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर या अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज या डेट कलेक्शन पीरियड, ये समझना ज्यादा आसान है. डेट कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो सिमिलरली है, या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, ये नाम समझना कंपेरेटिवली आसान है इन नामों से. ठीक है, तो हम तीन नाम पकड़ के चलेंगे, इन्वेंटरी या स्टॉक होल्डिंग पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर पेमेंट पीरियड. तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारा डेट कलेक्शन पीरियड के साथ स्टार्ट करते हैं. देखिए ध्यान से समझना है आपको, पहले लॉजिक समझना है कि क्या है, कि ये रेशियोज का कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है. डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर टर्नओवर डेज, जो भी नाम लगा लीजिए, मैंने आपको नाम ऑलरेडी बता दिए हैं. देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नाम से ही क्लियर है कि डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है. तो डेट से यहां पे हमारा मतलब है डेटर्स, डेट से अपना मतलब है डेटर्स, कि डेटर्स से कलेक्शन पीरियड कितना है, कि हमें जो माल हम बेचते हैं, जिन कस्टमर्स को बेचते हैं, वो हमें पेमेंट्स करने में कितना समय लगाते हैं, हम उनको कितना समय का उधार देते हैं. अगर आपने किसी को एक शर्ट बेची है तो आपने उसको कितना उधार अलाउ किया है, उस पर्सन को आपने उसको कितना टाइम दिया है सामने वाले बंदे को पेमेंट करने के लिए, तो उसको डेट कलेक्शन पीरियड बोल दिया जाता है. अगर उसको 2 महीने बाद उसने आपको पेमेंट करनी है तो ये आपका 2 महीने आना चाहिए, 3 महीने बाद करनी है तो 3 महीने करना चाहिए. अगर आपने सारी पेमेंट, आपकी पेमेंट टर्म्स ऐसी हैं कि आपने सारी पेमेंट एडवांस में ही लेनी है कस्टमर से, 100% एडवांस है, तो फिर डेट कलेक्शन पीरियड आपका नील आएगा, क्योंकि कोई उधार तो आपने दिया ही नहीं. ठीक है, तो डेट कलेक्शन पीरियड हमेशा तब आएगा जब आपका उधार देने का बिजनेस हो, राइट. तो डेट कलेक्शन पीरियड को पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेशंस कैसे हैं. तो इसका जो फॉर्मूला है जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं वो होता है अपना जो सेल्स है, नेट सेल्स, नेट सेल्स उसको एवरेज इन्वेंटरी से डिवाइड कर देते हैं. एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज स्टॉक, एवरेज डेटर्स, सॉरी, एवरेज डेटर्स इंटू 365 डेज, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ने में मिलता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर.
तो एवरेज डेटर्स मीन्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय टू, एवरेज डेटर्स उस हिसाब से ले लिए जाते हैं। बट प्रैक्टिकली जब हम बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं तो ये एवरेज डेटर्स लगाने का किसी के पास कोई टाइमलाइन टाइम नहीं होता है, एवरेज डेटर्स कैसे लगाने हैं कैसे नहीं। तो प्रैक्टिकली जो फॉलो किया जाता है वो सिंपल फॉर्मूला ये है, वो सिंपल ये है 365 डेज अपॉन नेट सेल्स इनटू क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स मींस जो आपके पास लास्ट अवेलेबल बैलेंस शीट है उसके अंदर जो क्लोजिंग के डेटर्स हैं लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च को जो डेटर्स हैं उसके ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है एक बार ये ध्यान से समझिए कि ये इसको रीड करना समझना है हमने कि इसको रीड कैसे करना है इस फॉर्मूला को। अब देखिए हमने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लाइंट ने ₹1200 का सेल्स किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसने ₹1200 का सेल्स किया, तो दैट मींस पूरे साल में उसने ₹1200 का माल बेचा। तो एज ऑन 31 तीन 2021 उसके ₹300 उधार के लेने वाले पड़े हैं, यानी कि ₹300 डेटर्स आउटस्टैंडिंग है ₹300 के एज ऑन 31 मार्च 2021 कि 31 मार्च 2021 को ₹300 उसके लेने वाले पड़े थे, ठीक है। तो कैलकुलेट डेटर कलेक्शन पीरियड, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर डेज या कैलकुलेट डेट कलेक्शन पीरियड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बोलेंगे ₹1200 का जो माल बेचा, हम ये कैलकुलेशन ऐसे बनाएंगे ₹1200 का जो सेल्स किया कितने टाइम में किया, हाउ मच टाइम, वो किया जी 365 डेज में। ₹1200 का सेल्स कितने टाइम में किया, 365 डेज में ₹1200 का, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि ₹1 का सेल्स कितने टाइम में किया, अगर ₹1200 पूरे 365 दिन में बेचे तो ₹1 का सेल्स कितने टाइम में किया, वो किया जी 365 डिवाइड बाय 1200 का पूरा सेल्स 365 दिन में किया, तो ₹1 का सेल्स कितने दिनों में किया, 365 डिवाइड बाय 1200। अब यहां पे हमने अजम्पशन क्या ली, ध्यान देखिए यही अजम्पशन इसकी खामी है, यही जहां पे अजम्पशन आ जाती हैं वही अजम्पशन उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। अजम्पशन हमने ली कि सेल्स इवनली होती है थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल में सेल्स एक जैसे ही चलती है, कि अगर 365 दिन में ₹1200 का माल बेचा तो 365 डिवाइड बाय 1200 तो मतलब हर ₹1 उतनी ही स्पीड से बिक रहा है हर दिन, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि सेल्स इवनली थ्रू आउट द ईयर होती है, ठीक है, बट ये अजम्पशन तो इनकरेक्ट हो जाएगी ना अगर किसी बंदे का सीजनल बिजनेस हो, तो अगर किसी बंदे का सीजनल बिजनेस है तो ये अजम्पशन इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे चल के डिटेल में समझते हैं, बट ये एक अजम्पशन मैंने बता दी। तो चलिए दोबारा आते हैं कि ₹1200 का माल बेचा 365 दिन में और ₹1 का माल बेचा 365 डिवाइड बाय 1200 दिन में, तो ₹300 का जो माल है वो उसने कितने टाइम में बेचा होगा, तो वो बेचा होगा जी 365 डिवाइड बाय 1200 इंटू 300, क्योंकि ये फिगर हमारी रिप्रेजेंट करती है कि ₹1 का माल कितने दिन में बेचा। तो इसको अगर 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ₹300 का माल कितने दिनों में बेचा, दैट इज योर डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर टर्नओवर डेज, डेट कलेक्शन पीरियड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन बन गया 365 डेज अपॉन ये नेट सेल्स इनटू क्लोजिंग डेटर्स।
अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे 1200 रुपये सेल्स ठीक है, 1 रुपया सेल्स ठीक है, आपने यहाँ पे 300 रुपया सेल्स क्यों लिखा? ये तो 300 रुपये के डेटर्स हैं, 300 रुपये के डेटर्स हैं, तो 300 रुपया सेल्स कैसे लिखा? तो भाई जो डेटर्स हैं, आप मेरे को बताइए डेटर्स बनते कैसे हैं? सेल्स के ऊपर ही तो बनते हैं। अगर आपने किसी बंदे को, अगर मान लो आपने 5 बंदों को 100 रुपये की 5 शर्ट्स बेची टोटल, तो आपकी सेल्स कितनी हुई? 5 बंदों को 100 रुपये की शर्ट्स बेची तो आपकी 500 रुपये की सेल्स हो गई, 500 रुपये की सेल्स हो गई, ठीक है। तो आपने अब कितने रुपए लेने हैं उन बंदों से? 500 रुपये ही तो लेने हैं ना बंदों से। अगर मान लो उन 5 बंदों में से 3 बंदों ने आपको पेमेंट कर दी, तो 2 बंदों की पेमेंट आपकी पेंडिंग रह गई, तो वो 2 बंदों की पेमेंट कितनी आपकी पेंडिंग रहेगी? 200 रुपये पेंडिंग रहेगी। तो मतलब सेल्स के ऊपर ही तो डेटर्स डिपेंडेंट होते हैं, जितनी आप सेल्स करेंगे उसके ऊपर ही तो डेटर्स कंप्यूट होते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई डेटर कलेक्शन पीरियड का हमेशा जो लिंक रहता है वो नेट सेल्स के साथ ही रहता है, वो हमेशा नेट सेल्स के साथ ही लिंक रहता है। तो ये डेट कलेक्शन पीरियड हमें ये बताता है कि हम किसी पर्सन को कितने टाइम का उधार दे रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जब हमारे पास किसी पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसने लोन के लिए हमें फाइल दी है, तो हमें ये चेक करना उसके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसका डेटर्स का उधार का पीरियड कितना है, कि कितने टाइम का वो अपने लोगों को उधार पे माल बेच रहा है। तो जो उधार पे वो माल बेच रहा है वो इन लाइन विद हिज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए, इन लाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अब मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि मेरा इस बात से क्या मतलब है कि इन लाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका डेट कलेक्शन पीरियड। अब मान लीजिए आपके पास एक लोन की फाइल आती है, आपके पास एक लोन की फाइल आती है और पर्सन का किराना बिजनेस का काम है, किराना बिजनेस का काम है कि किराना की आइटम बेचता है और उसका रिटेल काउंटर है, रिटेल काउंटर है, ध्यान देखिएगा क्योंकि आपको लॉजिक के साथ चलना है, उसका रिटेल काउंटर है, ठीक है, किराना का बिजनेस है और रिटेल काउंटर है और वॉक इन कस्टमर उसकी शॉप पे आता है और माल लेता है, उसको पेमेंट करता है और निकल जाता है। तो आप मेरे को बताइए कि अगर इस तरह का बिजनेस मॉडल है, सिर्फ रिटेल का ही काम है उसका, तो इसमें डेट कलेक्शन पीरियड होना चाहिए एक्सेस या नहीं होना चाहिए? आप खुद सोच के बताइए, क्योंकि रिटेल काउंटर में कोई इक्का दुक्का कस्टमर जो अपने पास आ गए, जो जो बहुत ही जान पहचान वाले हैं, उनको हम कह देते हैं कि चलो मंथ एंड पे पेमेंट कर दीजिएगा या चलो 10-15 दिन बाद पेमेंट कर दीजिएगा, वो पर्चियों पे लिखा के चले जाते हैं ना नाम अपना कि हाँ भाई चलो मेरा उधार लिख लो, मैं आपको इकट्ठी पेमेंट कर दूंगा, महीने के बाद सैलरी जब आएगी तब पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। पर ऐसे कस्टमर 10-15-20% ही होते हैं अपने रिटेल काउंटर्स में टोटल कस्टमर्स का, ठीक है, और उनको भी ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का महीने का उधार दे दिया। पर ओवरऑल अगर आप एवरेज पूरे साल की निकाल के चले, अगर आप 1200 रुपये का माल बेचते हैं, तो आपके पास अगर 20% कस्टमर भी ऐसे हैं जिनको आप 1 महीने के उधार पे बेचते हैं, तो यानी कि अराउंड 240 रुपये का माल आपका उधार पे बिकता है, तो 240 रुपये का माल भी जो उधार पे बिकता है वो 1 महीने के उधार पे बिकता है, तो यानी कि आपका 20 रुपये का मोटा मोटा डेटर हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1 महीने के उधार के हिसाब से। तो रिटेल काउंटर के बिजनेस में आपका डेट कलेक्शन पीरियड तो बहुत ही लोअर साइड पे होगा, क्योंकि आपको पेमेंट्स हाथ के हाथ मिल जाती है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें कि कोई पर्सन है जो हैवी मशीनरीज मैन्युफैक्चर करता है, हैवी मशीनरीज मैन्युफैक्चर करता है, फॉर एग्जांपल उसका क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो भाई क्रेन्स तो करोड़ों रुपए की आती है, तो कल को जब उसने माल को सेल आउट करना है, तो सेल आउट करने पे उसको इमीडिएट पेमेंट तो आती नहीं है, पहले तो उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर जब सेल करते हैं तो सामने जो परचेजर है, जो बंदा है, तो वो पेमेंट करने में टाइम लगा लेता है उस चीज की, क्योंकि करोड़ों रुपए की पेमेंट करनी है, हो सकता है कि वो आपसे ईएमआई बांध ले कि मैं आपको साल में इतनी ईएमआई में पेमेंट करूंगा, या आपको वो बोल सकता है कि मैं इसको फाइनेंस करवाऊंगा, और जो फाइनेंस करवाता है तो जो फाइनेंस कंपनी है वो आपको 2-3 महीने लगा देती है पेमेंट आपकी क्लियर करने में, पर उसको फाइनेंस तो चलो मिल जाता है। तो मतलब जैसे हैवी मशीनरी वाले काम में ऑब्वियसली ज्यादा होएगा। थर्ड आप लगा लीजिए पेरिशेबल आइटम है कोई, यानी जो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे हैं, जो ब्रेड बोन ब्रेड कंपनी है, उनका तो साइकिल ही बड़ा फास्ट फास्ट चलता है, क्योंकि उनकी पेरिशेबल आइटम है, 6-7 दिन में उनकी इन्वेंटरी खराब हो जानी है, उनकी इन्वेंटरी निकलती है, सप्लाई होती है, पेमेंट आती है और क्लियर हो जाती है, तो ऑब्वियसली डेट कलेक्शन पीरियड उनके बिजनेस साइकिल में बहुत ज्यादा कम रहता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से आपको इस चीज को समझना है कि जिस तरह की इंडस्ट्री में आप केस को एनालिसिस कर रहे हैं, उसका आप बिजनेस को समझ के कि ये बिजनेस किस तरह का कर रहा है, तो आप खुद अपनी आप अंदाजा लगाएं कि अगर मैं उस बिजनेस से बाय करने जाऊं तो मैं
तो मेरे को उधार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या मेरे को वहां पे पेमेंट एडवांस में करनी चाहिए, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपका डेट कलेक्शन पीरियड आपको लॉजिक लगाइए अपना। अगर अगर आपके लॉजिक में कुछ डाउट आपको पड़ रहा है कि आपका लॉजिक कुछ और बोल रहा है और सामने से रिजल्ट कुछ और बोल रहा है, तो आप क्लाइंट से जब मिलने जाएं तो क्लाइंट से उस चीज को समझे। हो सकता है कि आपके लॉजिक में कमी हो और इंडस्ट्री कुछ और तरह से ऑपरेट कर रही हो, तो आप उस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करें और उसको अलाइन करें उसकी बैलेंस शीट की फिगर के साथ। अगर आप क्लाइंट की मीटिंग में जाते हैं और क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मैं तो 2 महीने से ज्यादा उधार किसी को देता नहीं, पर आपकी बैलेंस शीट में यही उधार का टाइम 6 महीने आ रहा है, तो आप क्लाइंट को उसी टाइम काउंटर कीजिए कि सर आपकी बैलेंस शीट में, और काउंटर करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको कोई इनकम टैक्स वाले हैं और उसको जाके डाउन फील करवा दिया कि सर ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये तो गलत, आप झूठ बोल रहे हो हमसे, आप फ्रॉड हो, इस तरह से फील नहीं कराना भाई। प्यार से बात करनी है और प्रोफेशनल वे से बात करनी है क्लाइंट्स के साथ। आपके बैंक का नाम खराब हो सकता है अगर आपने क्लाइंट्स को हरासमेंट या ब्लेम गेम टाइप आपने उसके साथ बात की। तो आप ये याद रखना कि आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका पर्सनल काम नहीं है, आप बैंक की तरफ से, आप बैंक के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट को नाराज नहीं करना है, गुडविल बैंक की मेंटेन रखनी है। तो वहां से उसको समझिए, उससे बात कीजिए। अगर वो बताता है कि मेरा 2 महीने का पीरियड है, तो उसको हाईलाइट कीजिए कि 6 महीने का पीरियड आपके बुक्स के अंदर आ रहा है पर आप मुझे 2 महीने बता रहे हैं, कि इसका क्या रीजन है? तो उसके मल्टीपल रीजन वो क्लाइंट आपको आगे बता सकता है कि मेरा लास्ट मंथ में सेल ज्यादा हुआ था, इसकी वजह से आपको फिगर दिख रही है। तो खैर वो एक बात की बातें हैं, बट आई होप आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने फॉर्मूला किस तरह से बनाया है और नेट सेल्स और क्लोजिंग डेटर्स का आपस के अंदर लिंक भी नजर आ गया होगा। इसमें समझने वाली बात अब ये है कि ये जो चीज है एक अजम्पशंस के बेस पे फॉलो होती है। जो ये हम फॉर्मूला ड्राइव भी कर रहे हैं, इसमें अजम्पशंस है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अब रिस्क क्या इन्वॉल्व है? एक तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं, कि जो सेल्स है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर हो रही है, मतलब पूरे साल में बराबर 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 सेल्स हो रही है। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो 31/3/21 को, यानी क्लोजिंग डेटर्स जो आपके आए हैं, आपने ये प्रज्यूम कर लिया कि पूरा साल इतना अमाउंट ही डेटर्स का रहता है, किसी भी समय रहता है, कि पूरे साल में डेटर्स ऊपर नीचे इससे ज्यादा होते नहीं है, एवरेज इतना ही पीरियड रहता है पूरे साल में। पर ये चीज आपकी रॉन्ग प्रूफ हो सकती है। वो कैसे? आप एक बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, लुधियाना में तो ये चीज बिजनेस मॉडल के ऊपर हम बहुत ज्यादा चलते हैं, तो ध्यान दीजिए। किसी पर्सन का गारमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और वो विंटर्स के गारमेंट्स बनाता है, सर्दियों के गारमेंट्स बनाता है, प्लोवर्स बनाता होएगा, जैकेट्स बनाता होएगा, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है, विंटर्स के गारमेंट्स बनाता है वो। अब इनका बिजनेस मॉडल कैसे होता है, आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे साल के महीने में लिख लेता हूं यहां पे, जैसे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा साल हो गया 12 महीने का, ठीक है जी, 12 मंथ्स पीरियड हो गया। जो भी बंदे विंटर्स की गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके बिजनेस में ध्यान से देखिए क्या होता है। मार्च से शुरू करते हैं, मार्च के अंदर उनको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, कौन से? ये विंटर्स के, ये वाले पीरियड के, जो ये विंटर्स हैं, नवंबर से दिसंबर वाला पीरियड और ये जनवरी वाला पीरियड, इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये विंटर्स की हमें सप्लाई चाहिए। तो मार्च के अंदर ये स्टॉक बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, इन ऑर्डर के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मार्च के अंदर इनकी स्टॉक की बाइंग शुरू हो जाती है। तो नेचुरली क्या होता है कि इनका स्टॉक क्या होता है, ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाइंग कर रहे हैं अभी स्टॉक की। तो जब 31 मार्च 21 निकल के आती है, तो इनके स्टॉक के लेवल्स अप दिखाई देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो अप्रैल में भी स्टॉक की बाइंग चलती है,
स्टॉक की बाइंग चलती है और अप्रैल के एंड पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग करना ये स्टार्ट कर देते हैं, कौन से जो नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ने वाली है उन कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मई में भी मैन्युफैक्चरिंग चलती है, जुलाई जून में भी मैन्युफैक्चरिंग चलती है और इवन जुलाई में भी मैन्युफैक्चरिंग चलती है इनकी, जुलाई में भी मैन्युफैक्चरिंग चलती है। तो ये 4 महीने कंटिन्यूस इनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है ऑर्डर्स के हिसाब से। तो जब मैन्युफैक्चरिंग चलती है तो इनके स्टॉक लेवल्स इन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं और इनकी लिमिट्स पूरी यूटिलाइज हो जाती हैं, लिमिट्स की यूटिलाइजेशन फुल हो जाती है, स्टॉक लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगस्त के मिडल से लगा लीजिए या थोड़ा सा थर्ड वीक ऑफ अगस्त से लगा लीजिए, ये जो ऑर्डर्स के ऊपर काम हुआ है इनकी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है अक्रॉस द मार्केट, पूरी मार्केट में जो माल बना है सर्दियों का उसको सप्लाई करना शुरू कर देती है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, सप्लाई शुरू हो जाती है, सप्लाई चलती है, यानी कि सेल्स। तो क्या होता है, अब यहां पे स्टॉक बना हुआ था, स्टॉक पाइल्ड अप था, तो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है और डेटर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं यहां पे, क्योंकि माल सेल हो गया ना, तो डेटर्स अप शुरू हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड डेटर्स बढ़ते जाते हैं, डेटर्स पाइल अप हो गए। इवन पार्ट ऑफ द नवंबर मंथ्स भी, नवंबर के बिगनिंग में तो ठंड इतनी होती नहीं है, तो डेटर्स पाइलअप होते हैं, ठीक है। तो नवंबर के मिडल तक या नवंबर के एंड तक ये अपनी सेल्स करके लोग फ्री हो जाते हैं, सेल्स से ये लोग फ्री हो जाते हैं, राइट। और फिर आती है सर्दियां, फिर पड़ती हैं सर्दियां, फिर इनका माल बिकना शुरू हो जाता है। दिसंबर नवंबर मिडल ऑनवर्ड्स इनका माल खूब बिकता है, माल ये नहीं बेचते, इन्होंने तो माल बेच दिया, इन्होंने तो यहां पे अपना माल सेल कर दिया, पर इनको इस सेल की पेमेंट नहीं ना आएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग कौन है, ये लोग मैन्युफैक्चरर है, और ये मैन्युफैक्चरर किसको बेचते हैं, होलसेलर्स को बेचेंगे, रिटेलर्स को बेचेंगे। तो रिटेलर्स किसको बेचेंगे, आप लोगों को बेचेंगे। तो जब आप लोग खरीदने कब जाओगे, नवंबर मिडल के बाद, नवंबर मिडल दिसंबर जनवरी इसी टाइम में जाओगे आप खरीदने। तो जब आप जाओगे, आप खरीदने जाओगे रिटेल काउंटर पे, तो आप रिटेल काउंटर्स को पेमेंट करोगे रिटेल काउंटर्स को, तो रिटेल काउंटर्स वाले इनको करेंगे और ये किसको करेंगे, इनको करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इनकी सप्लाई यहां पे चली गई, तो इनके डेटर्स अप होते गए। दिसंबर में क्या होता है कि इनका माल अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है और पेमेंट्स का ये साइकिल शुरू हो जाता है। तो यहां पे इनको क्या होती है, पेमेंट आती है खूब नवंबर मिडिल से पेमेंट आनी शुरू हो जाती है। यहां पे भी पेमेंट आती है, कुछ पार्शियल नवंबर में आती है, जनवरी में पेमेंट से रियलाइजेशन आती है, खूब पेमेंट रियलाइजेशन आती है, फरवरी में पेमेंट रियलाइजेशन आती है। तो क्या होता है, इनके जो स्टॉक तो इनका निकल गया, कुछ पार्शियल थोड़ा बहुत नेसेसरी स्टॉक रह जाता है। अब इनके डेटर लेवल नीचे आने शुरू हो जाते हैं, डेटर लेवल नीचे आ गए, पेमेंट आ गई, डेटर लेवल नीचे आ गए, डेटर लेवल और नीचे आ गए, कुछ मार्च में पेमेंट आई तो डेटर लेवल और नीचे आ गए, डेटर्स लेवल और नीचे आ गए, राइट। तो यहां पर आते आते तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स की यूटिलाइजेशन जो फुल होती थी, कई बार तो इनकी लिमिट्स क्रेडिट में चली जाती है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस आ जाता है, लिमिट यूज ही नहीं होती, जीरो यूटिलाइजेशन होती है लिमिट में, क्योंकि सारी पेमेंट रियलाइज हो जाती है। पर जब आप डेट कलेक्शन पीरियड कंप्यूट करते हैं, आप कंप्यूट करते हैं कब, 31 मार्च 2021 को इस सीजनल बिजनेस में तो डेटर्स का जो फिगर है वो ऑलरेडी इट्स लोअर साइड पे होता है सबसे। तो सीजनल बिजनेस के अंदर जो आपका ये फॉर्मूला है डेटर कलेक्शन पीरियड का, क्योंकि आप 31 मार्च 2021 पे कंप्यूट करते हैं तो ये बेकार हो जाता है। अगर उसका सीजनल इस तरह से है कि 31 मार्च 2021 को उसके डेटर्स होते ही नहीं है, तो फिर क्या काम का इस फॉर्मूला। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि अगर किसी क्लाइंट का सीजनल बिजनेस है तो उससे आप पिछले एटलीस्ट 6 महीने की, उससे 6 महीने की डेटर्स की फिगर मंगवाइए हर मंथ के एंड पे, सितंबर में कितने थे, अक्टूबर एंड पे कितने थे, नवंबर एंड पे कितने थे, दिसंबर एंड पे कितने थे, वैसे तो कोशिश कीजिए साल की ही मंगाइए, जनवरी फरवरी मार्च में कितने थे, तो वो चेक कीजिए और हर महीने डेटर का कलेक्शन पीरियड कंप्यूट कीजिए हर महीने के एंड पे, कि सितंबर एंड पे कलेक्शन पीरियड एवरेज कितना आ रहा है, दिसंबर के अक्टूबर के एंड पे कितना आ रहा है, और उसके बेसिस पे अपना केस को प्रेजेंट कीजिए।
कि भाई इस क्लाइंट का सीजनल बिजनेस है और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अगस्त टू नवंबर इसका डेटर्स में इन्वेस्टमेंट पीक लेवल पे होता है और हमने इस चीज को इस तरह से क्रॉस वेरीफाई किया। तो सिमिलरली ये तो हो गया डेट कलेक्शन पीरियड। अगर मैं आपको स्टॉक होल्डिंग पीरियड की और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड की भी बात करूं तो यहां पे आपका ये पीक लेवल पे होएगा क्रेडिट पेमेंट पीरियड और स्टॉक होल्डिंग पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्टॉक पाइल्ड अप हो रहा है और आप बाइंग कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपको सीजनल बिजनेस के अंदर ये चीज का प्रजम्पशन लेना है। और ये चीज जो डेट कलेक्शन पीरियड हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कंप्यूट कर रहे हैं, उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारा साल इतने ही डेटर्स रहते हैं, जो कि ये अजम्पशन गलत है। अगर सीजनल बिजनेस है आपका तो आप क्लाइंट को एड्रेस करते टाइम इस चीज को जरूर समझें कि उसका कोई सीजनल बिजनेस तो नहीं है। सीजनल बिजनेस है तो आपका ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देने वाला, इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरा, कई बार आपको इस चीज का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो हो गया ये सीजनल बिजनेस। अब ये सीजनल बिजनेस वाली जो एग्जांपल है, आपको इस चीज को याद रखना है जब मैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड भी करवाऊंगा, क्योंकि ये अजम्पशन सब में फिट बैठती है, ये अजम्पशन सबके लिए ही एप्लीकेबल है तीनों रेशोज में, राइट। तो आपको इसमें ध्यान रखना है क्योंकि लॉजिक सेम है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्स इवनली थ्रू आउट द ईयर हमने प्रज्यूम की, और हमने प्रज्यूम किया कि डेटर्स सारा साल इतनी अमाउंट के बने रहते हैं। तो इसी में से एक एग्जांपल और निकलती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि पूरा साल चल रहा है, जब जनवरी फरवरी मार्च आया तो क्या हुआ कि क्लाइंट को अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग गया, कोई वन टाइम बिग ऑर्डर उसके हाथ लग गया और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट उसने फेब मार्च में किया और उसकी सारी सप्लाई कर दी बिग ऑर्डर की, पर उसकी पेमेंट उसको अप्रैल में आई या मई में आई, कुछ भी लगा लीजिए, पर अचानक से ये ऑर्डर मिला था। पहले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था, उसको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे कुछ ऑर्डर आ जाएगा या मेरी एकदम से ऐसे सप्लाई निकल जाएगी, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च में उससे अचानक एक ऑर्डर आ गया तो उसको सप्लाई निकाल दी उसने, तो उसके डेटर्स फिर 31 मार्च 2021 को ऑब्वियसली बहुत हायर लेवल पे आएंगे। तो अगर हायर लेवल पे आए, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, आप तो बोलेंगे कि इसके डेटर्स ही बहुत ज्यादा है जी। तो भाई अगर आपको ये चीज करनी है तो आपको सीजनैलिटी इसके बिजनेस में, इस एग्जांपल में सीजनैलिटी नहीं थी बट एक्सेप्शनली उसकी सेल बढ़ गई थी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कृपया करके उसकी मंथ वाइज सेल्स के ट्रेंड को जरूर एक बार चेक करें, केस असेसमेंट करते टाइम मंथ वाइज सेल्स उसकी जीएसटी रिटर्न्स से एक बार जरूर चेक करें कि उसने मंथ वाइज कितनी सेल की है। उससे आपको उसकी सीजनैलिटी भी पता लग जाएगी और दूसरा आपको ये भी पता लग जाएगा कि कोई एक्सेप्शनल सेल तो नहीं हुई अगर उसका नॉन सीजनल बिजनेस है। तो अगर नॉन सीजनल बिजनेस है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्सेप्शनल सेल हुई हो लास्ट क्वार्टर में या लास्ट मंथ में जिसकी वजह से डेटर्स बहुत अप आ रहे हो, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट होल्ड्स गुड इन क्रेडिटर पेमेंट पीरियड ऑल्सो, वेयर यू नीड टू चेक कि मार्च में कोई बाइंग तो नहीं ज्यादा हुई परचेज फिगर से, ठीक है, या कोई सीजनल बिजनेस ऐसा तो नहीं था कि क्वार्टर एंडिंग के टाइम उसकी बाइंग ज्यादा रहती है, ठीक है। तो उस तरीके से सिमिलरली फॉर स्टॉक होल्डिंग पीरियड ऑल्सो, क्योंकि अगर मार्च में ज्यादा बाइंग की है, माल ज्यादा स्टॉक किया है तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना, क्रेडिटर तो जो बढ़ेंगे क्रेडिटर बढ़ेंगे तो स्टॉक भी तो बढ़ेगा ही ना। तो इन दैट वे, तो उनमें मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, उसमें सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला ही देने वाला हूं। दोनों में लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट मैंने एक में ही क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। चलिए अब क्विकली दूसरी रेशो की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी रेशो है आपकी क्रेडिटर पेमेंट पीरियड या ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज, टर्नओवर रेशो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज, टर्नओवर रेशो, हम इसको प्यार से बोलेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। डेटर्स को हमने किस पे निकाला था, नेट सेल्स के ऊपर, और क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब आप माल खरीदते हैं, तो क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन किस पे करेंगे, नेट परचेजेस के ऊपर। इसकी कैलकुलेशन किस पे ऊपर करेंगे, नेट परचेजेस के ऊपर। तो फिर सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि किसी क्लाइंट ने 1200 रुपए का परचेजिंग किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो आपने बैलेंस शीट में से ट्रेडिंग एंड अकाउंट में से उसका चेक कर लिया, उसके 31/3/21 को 300 रुपए की देनदारी पड़ी थी, देनदारी मीन्स क्रेडिटर्स पड़े थे, 300 रुपए की देनदारी उसकी पड़ी थी 31/3/21 को,
कैलकुलेट क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कैसे करेंगे, सिमिलर वे में सोचेंगे। देखिए सोचने का तरीका अपना वही रखना है अपने को कि 1200 रुपए का परचेजिंग किया कितने टाइम में, 365 दिन में। ठीक है जी भाई, अगर 1200 रुपए का परचेजिंग 365 दिन में किया तो 1 रुपए का परचेजिंग कितने टाइम में किया, 365 डेज डिवाइड बाय 1200, ये आपका फिगर आ गया कि एक दिन में, नहीं सॉरी, एक रुपए का माल कितने दिन में खरीदा, ठीक है। तो अगर 300 रुपए की देनदारी है तो मतलब 300 रुपए का माल ऐसा है जिसकी अभी आपने पेमेंट नहीं की, तो 300 रुपए का माल कितने दिनों में खरीदा भाई, 1 रुपए का माल इतने दिनों में खरीदा, तो 365 रुपए का माल कितने, सॉरी 300 रुपए का माल कितने दिनों में खरीदा, ये आपका आ गया क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर टर्नओवर डेज यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सॉरी नेट परचेजेस इनटू क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स नहीं लेंगे, जो बुकिश फॉर्मूला आपका, ठीक है। बाकी लॉजिक सेम है जो मैंने डेटर कलेक्शन में समझाया कि सीजनल बिजनेस को मंथ वाइज परचेजिंग क्या है और हमने इवनली थ्रू आउट द ईयर अज्यूम किया है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला, आप खुद सोचें और आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, तो ये भी आपको इंडस्ट्री के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं और कौन सी उसके हिसाब से क्या साइकिल चलता है क्या नहीं, तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड भी होल्ड उसी तरह से चलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, स्टॉक टर्नओवर डेज, इन्वेंटरी टर्नओवर डेज, अलग अलग नाम है इन सब चीजों के। तो भाई स्टॉक का कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे, स्टॉक को किसके साथ लिंक करेंगे, डेटर्स को नेट सेल्स के साथ लिंक कर दिया, क्रेडिटर्स को नेट परचेज के साथ लिंक कर दिया, तो स्टॉक को किसके साथ लिंक किया जाए भाई, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो अभी तो इंडेक्स वगैरह आ गए हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, जो फिनिश्ड स्टॉक होता है, फिनिश्ड गुड्स जो का जो स्टॉक होता है उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे होती है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो उस टाइम यूज होता था, खैर कॉन्सेप्ट तो ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ, कॉस्ट जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो होती है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि इस तरह से स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस अगर कॉस्ट से भी नीचे गिर जाए तो आपको बुक्स में स्टॉक उसकी मार्केट प्राइस पे दिखाना है, अदरवाइज कॉस्ट पे दिखाना है। तो ये कॉस्ट का क्या मतलब है, ये चीज तो देखिए प्रैक्टिकली फॉलो कम ही होती है, ये चीज तो प्रैक्टिकली फॉलो कम ही होती है और इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है, और एसएमई सेक्टर में तो ये चीज आपको कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट से क्या मतलब, कौन सी कॉस्ट, फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर वैल्यूएशन की जाती है, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है वो उसके बेसिकली परचेजिंग के ऊपर, परचेजिंग प्लस उसके उसको जो लाने की कॉस्ट होती है, ब्रिंगिंग टू फैक्ट्री जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर किया जाता है। वर्किंग प्रोग्रेस वाला स्टॉक थोड़ा सा उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करके, इस कॉस्ट में थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करके उसके ऊपर वैल्यूएशन किया जाता है। तो अलग अलग वे होते हैं वैल्यूएशन करने के स्टॉक को, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस में किसी क्लाइंट को जज कर रहे हैं तो अगर हम स्टॉक होल्डिंग, अब हमने स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो कभी भी बैंकिंग सेक्टर में जब आप काम करेंगे तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड फिनिश्ड का, WIP स्टॉक का, रॉ मटेरियल स्टॉक का कभी भी अलग अलग नहीं निकाला जाता, कभी भी इनका अलग अलग नहीं निकाला जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली इनकी वैल्यूएशन के मेथड अलग अलग है। फिनिश्ड स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे वैल्यूएशन हो गई, रॉ मटेरियल की इस वैल्यू पे वैल्यूएशन हो गई, वर्किंग प्रोग्रेस की अलग वैल्यूएशन वैल्यू पे वैल्यूएशन होती है प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में। बट जब स्टॉक होल्डिंग पीरियड की कंपटीशन आती है बैंकिंग सेक्टर में, तो फिनिश्ड
फिनिश्ड गुड्स का अलग होल्डिंग पीरियड नहीं निकालते, वर्क इन प्रोग्रेस का अलग होल्डिंग पीरियड नहीं निकालते, रॉ मटेरियल का अलग होल्डिंग पीरियड नहीं निकालते, हम तो ज्वाइंट होल्डिंग पीरियड निकालते हैं, हम तो ज्वाइंट होल्डिंग पीरियड निकालते हैं, स्टॉक होल्डिंग पीरियड ज्वाइंट निकालते हैं, उसको डिवाइड नहीं करते जी फिनिश्ड WIP और रॉ मटेरियल में। तो भाई कैसे करें फिर, अगर ज्वाइंट निकालना है तो हमने बाइफ्रिकेट करना ही नहीं, तो फिर कैसे निकालें? तो बैंकिंग सेक्टर में स्टैंडर्ड ले लिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बैंकिंग सेक्टर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को स्टैंडर्ड ले लिया जाता है। क्यों, इसको क्यों लेते हैं भाई स्टैंडर्ड? वो मानते हैं कि अल्टीमेटली जो आपने माल बेचना है वो कौन सा बेचना है, वो तो फिनिश्ड ही बेचना है ना। अल्टीमेटली जो माल कंज्यूमर को सेल होना है, जो आपके कस्टमर को सेल होना है, चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो तो फिनिश्ड माल ही सेल होगा जो हर तरह से कंप्लीट हो, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में हमें तो आपकी सेल्स से, फिनिश्ड सेल्स से मतलब है, तो हम आपकी फिनिश्ड स्टॉक को देखेंगे कि आपका फिनिश्ड स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लिया जाता है तो हम ये मानेंगे क्योंकि सारा माल फिनिश्ड ही बिकना है अल्टीमेटली, तो हम आपका जो स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालेंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर निकालेंगे। अगर आप अकाउंटिंग बुक्स स्टडी कर रहे हैं तो मे बी वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाल लें, दैट आई डोंट नो, मैंने उसको अभी यहाँ पे नहीं कवर करना चाह रहा। बट बैंकिंग सेक्टर में प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तीनों का अलग अलग नहीं कंप्यूट कर सकते, हमें तो एक ही फिगर तीनों को प्लस करके एक फिगर के ऊपर ही निकालना है। तो एक फिगर जो पिक होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको फॉर्मूला तो आपको आई होप पता होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है स्टॉक, अपना सिंपल फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इसी फॉर्मूले को पकड़ के चलें। अगर आप ज्यादा दूसरे तरीके से सोचेंगे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बहुत लेंथी है भाई, इतना टाइम नहीं होता अपने पास। अपने पास तो सिंपल है, नेट सेल्स देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में से, उसमें से जीपी माइनस किया, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ लिंक करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी को, जो कि इन तीनों का टोटल होगा। क्लोजिंग इन्वेंटरी को, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ लिंक करेंगे। और फॉर्मूला समझने का तरीका वही है, अगर मान लो 1200 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है पूरे फाइनेंशियल ईयर 21 में और आपका 300 रुपए का स्टॉक पड़ा है, तो क्या करेंगे आप कि 1200 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लगाई 365 दिन में, तो 300 रुपए हम प्रज्यूम करेंगे ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही बन के निकला, तो 1 रुपया 365 डिवाइड बाई 1200 और 300 रुपया सिमिलर वे हो गया। तो यानी कि फॉर्मूला सिंपल है, 365 डेज अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से इसको लेके हम अपने पास चलेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है कि आपने प्रज्यूम किया कि सारा साल स्टॉक एक जैसे रहता है, जो कि गलत है। सीजनल बिजनेस में परचेजिंग किसी मंथ एंड पे या किसी क्वार्टर एंड पे ज्यादा हुई है, तो आप वो चेक कर लीजिए कि कहीं उसकी वजह से स्टॉक तो नहीं ज्यादा बढ़ा और आपकी ये रेशियो गलत तो नहीं आ रही उसकी वजह से, ये चीज आप चेक कर लीजिए। थर्ड चीज चेक कीजिए कि जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं उस इंडस्ट्री का स्टॉक पीरियड कुछ और बोलता हो। अगर मान लीजिए अगर आपका बिजनेस ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जो आप डेली ब्रेड खाते हैं, जो कि एक पेरिशेबल आइटम है जिसका 7-8-10 दिन का ही लाइफ साइकिल है, तो उस साइकिल में तो स्टॉक रहता ही नहीं भाई। 7-8-10 दिन से ज्यादा क्या स्टॉक रखेंगे आप अपने पास? 2-2-3-3 दिन के स्टॉक में से निकालना पड़ेगा, तभी बिकेगा, तभी कस्टमर खाएंगे और आपको पेमेंट करेंगे। अगर उसमें भी आपका 4-4 महीने का ब्रेड का स्टॉक पड़ा है, तो दैट मीन्स दैट इज अ वेस्टेज ऑफ स्टॉक, वो तो स्टॉक आपका खराब ही हो गया, वेस्ट ही हो गया। तो इस लॉजिक से आपको सोचना है और उसके ऊपर अपने तरीके से काम करना है। तो आई होप आपको ये रेशियोज, ये तीनों एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, हाँ मतलब अब आपको आई होप ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इस चीज का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनको एक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो क्यों बोला जाता है। एक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो क्या क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो इनका कलेक्शन पीरियड चेक करना, इनका पेमेंट पीरियड चेक करना, इनका होल्डिंग पीरियड चेक करना, दैट इन दैट वे वी आर चेकिंग हाउ वेल या हाउ गुड द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो एक्टिविटी रेशियो, तो सिमिलरली इनको एफिशिएंसी रेशियो भी बोल दिया जाता है, क्योंकि हाउ मच होल्डिंग पीरियड यू आर हैविंग, हाउ मच डेटर कलेक्शन पीरियड यू आर हैविंग, हाउ मच क्रेडिटर पेमेंट पीरियड यू आर हैविंग, टेल्स अबाउट हाउ एफिशिएंटली योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग, राइट। तो इस वजह से इनको एफिशिएंसी रेशियो भी बोल दिया जाता है।
तो आई होप कि मैंने इसके कॉन्सेप्ट को मोटा मोटा तो आपको कवर कर दिया है, इसके फॉर्मूला को भी मैंने एज सिंपल एज पॉसिबल तरीके से आपको समझाया है। तो नेक्स्ट अप जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीएमए डाटा की प्रोजेक्शन करेंगे बैलेंस शीट वाले साइड की, तो थोड़ा लेंथी लेक्चर रहेगा नेक्स्ट वाला, तो ज्यादा और इससे भी ज्यादा लेंथी रहेगा, तो उसको सुनिए और आपका सीएमए डाटा के सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे एंड पे तो कंप्लीट हो जाएंगे, बट कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिवर्ट करूंगा आप लोगों को। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपका नया साल है तो आप एंजॉय कीजिए नए साल को और खूब तरक्की कीजिए। तो हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।